भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद माननीय डॉक्टर रामाधित्य राम त्रिपाठी जी, जिला के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद मिश्र जी, यूपी एग्रो के अध्यक्ष श्री जगदीश मिर्च उर्फ बाल्टी बाबा जी, मान्य विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, मान्य विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्र जी, पूर्व जिला संयोजक अजय तिवारी जी, पूर्व प्रमुख श्री विजय राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न संगठनों के उपस्थित पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध की इस पावन निर्माण स्थली पर बाबू गेंदा सिंह जी के इस कर्मस्थली पर आज मैं आप सबके बीच में अपने आप को पाकर के बहुत प्रफुल्लित हूं, गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। और जिन युवाओं के द्वारा यहां पर उत्साह उमंग के साथ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, उनका उपस्थित सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज विधानसभा क्षेत्र और इस जनपद में लगभग 421 करोड़ की परियोजनाओं के साथ हम सब आए हैं। इससे पहले मैंने जनपद की रामकोला विधानसभा क्षेत्र में और उसके प्रांत अभी आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 421 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ मैं जोड़ रहा हूं। भाइयों बहनों, 400 करोड़ की ये योजनाएं तो वास्तव में कुशीनगर जिले के लिए, यहां के परिश्रमी किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत छोटी सी घटना होगी। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, यह एक पेड़ मात्र है। अभी तो हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपके इस जनपद में करने जा रहे हैं, नया मेडिकल कॉलेज कुशीनगर। और अब कुशीनगर का नागरिक जो पहले लोग सोचते थे वो नहीं है, अब तो कुशीनगर के लोग भी भगवान बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे देश और दुनिया के लिए। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक नए एयरपोर्ट से वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, हमारी ओर से सारी तैयारियां पूरी। दुनिया के अंदर कोरोना समाप्त और कुशीनगर से वायु सेवा यहां से प्रारंभ। सड़क मार्ग भी अच्छे बन रहे हैं, रेल की सेवाएं जुड़ रही हैं और साथ साथ वायु सेवा के साथ कुशीनगर जैसा जनपद भी जुड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की एक उक्ति कृतार्थ होती है कि गरीब का बेटा भी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, और यह कुशीनगर अक्सर से साबित कर रहा है। वही बहनों,
इन्होंने दिया क्या? बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज, भ्रष्टाचार, विकास की किसी भी योजना को ईमानदारी पूर्वक ये लोग आगे ले जाने का कार्य नहीं किए। और अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य क्या होता तो भाइयों बहनों, आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आती। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को 7 सीटें दी और 2022 में कंधा देने के लिए 2 लोग भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपकी गलती नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि आप लोग तो देने को तैयार हैं। ये उत्साह जब भी मैं तंबू ही की तरफ आया हूं, यहां के नौजवानों के अंदर मैंने यही उत्साह देखा है। यहां के किसानों के मन में विकास की एक तड़पन देखी है। यहां की माताओं और यहां की बहनों के चेहरे पर देश और धर्म के लिए कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी मैंने देखा है। और आज यही अपील करने के लिए मैं आया हूं आपसे। आपने देखा होगा मोदी जी ने पिछले 7 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर बदल करके रख दी। मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, शौचालय सबको, आवास सबको, बिजली सबको, राशन मिलना है, राशन मिलना है ना, बिजली आ रही है क्या? कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की उनकी सरकार के समय भी नहीं आता था ना। और बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए बिजली नहीं देते थे। लेकिन मोदी जी ने और आपने भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाई, गांव गांव में बिजली पहुंचा दी। जो बचे इक्के दुक्के गांव बचे होंगे, जो इक्के दुक्के मजरे बचे होंगे, आने वाले 1.5-2 सालों में वहां पर भी बिजली लग जाएगी, कोई वंचित नहीं रहेगा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और भाइयों बहनों, कुशीनगर के हर घर में शुद्ध पेयजल भी पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने दिया क्या? बीमारी, एक नौ की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस, एक कांग्रेस की, सपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है। और मोदी जी ने घर घर में शौचालय बना करके स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करके आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त। आज तो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं दिखाई देती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस बीमारी देती थी, भाजपा नागरिकों को स्वस्थ करती है। कांग्रेस राम की और आस्था का पान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। यही तो उत्तर है। हमने कहा सबका साथ और सबके विकास की, हम चेहरा देख करके नहीं, हम किसी व्यक्ति को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है और मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी एक परिवार है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए सस्ता क्या? कांग्रेस का परिवार क्या?
जब प्रदेश देश में कोई विपत्ति आती है तो दूर से इटली चले जाते हैं। सपा को सिपाही से बाहर आप नहीं देख सकते। और भाइयों बहनों, इनकी सोच संकीर्ण है। ये लोग नौजवानों की नौकरी को गिरवी रखते थे, नीलाम करते थे, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न हो इनके द्वारा मिल मालिकों के साथ मिलकर के शोषण किया जाता था। आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के समय 2021 तक का सभी गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 2021-22 का गन्ना मूल्य नया सीजन प्रारंभ होने के पहले गन्ना किसानों के खाते में, पैसा उनके खाते में पहुंचेगा। और कोई नहीं डालेगा तो फिर सख्त कार्रवाई भी सरकार इसलिए करेगी। क्या कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय ऐसा होता था क्या? वे नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं था, वे विकास चाहते ही नहीं थे। उनका एजेंडा एक ही था, भाई भतीजावाद का। उनका एजेंडा एक ही था, जाति और वंशवाद का। उनका एजेंडा एक ही था, प्रदेश में दंगा करवाने का। उनका एजेंडा एक ही था, माफिया राज स्थापित करने का। माफिया और अपराधियों के साजिद बनकर के सत्ता का संचालन होगी तो गरीब तबाह होगा, किसान तबाह होगा, नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी सरकार है, देश में आज की आपकी अपनी सरकार है। और यही कारण है कि पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आज देश के अंदर कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं पाता है। और नहीं तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला काम क्या हुआ था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का काम उन्होंने कर दिया था। कांग्रेस के राज में आतंकवाद, उग्रवाद और रुकावाद फैला। मोहन जी को तो कहना ही क्या है। मोहन जी ने तो सारे रिकॉर्ड आगे पार कर दिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, पूछे 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक तमकुही में बना होता तो गंडक की बाढ़ की अस्थाई समाधान यहां पर हो गया होता। याद करिए, इतनी भीषण बरसात में उत्तर प्रदेश के अंदर तटबंध नहीं टूटे क्योंकि भाजपा के विधायक सक्रिय थे, विकास की योजना कई उन्होंने ईमानदारी से वहां लागू करवाने में योगदान दिया। लेकिन यहां पर जब भी सिंचाई विभाग के लोग आते थे तो यहां पर कांग्रेस के नेता ठेका पट्टा के लिए गिद्ध की तरह झपटते थे, काम नहीं करने देते थे। और फिर भाइयों बोलना ही क्या, आपने फिल्म का वो गाना सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे। और ये चीज आपके इस विधानसभा में कांग्रेस पे बराबर लागू होगा। ये सच तो बोल ही नहीं सकते, विकास की किसी योजना के बारे में चर्चा नहीं करना सकते, सड़क नहीं बनने देते, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं करने देते। हम लोगों ने कहा कि जैसे राप्ती नदी और सरयू में हम लोगों ने नदी को ड्रेजिंग करके चैनलाइज किया है बाढ़ की समस्या का समाधान, ऐसे गंडक में भी होना चाहिए। लेकिन ये गिद्ध फिर से वहां भी छिपक पड़ते हैं, नहीं होने देते। हम जब विकास की बात करते हैं इनको विकास स्वीकार नहीं। और तो और भाइयों बहनों, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने पूरे देश को नेतृत्व दिया, गाइडेंस किया। उनका मार्गदर्शन में आज भारत कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन कोरोना में जब हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, छात्र आ रहे थे, तब कांग्रेस उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी।
याद करिए तब कांग्रेस बस के झूठे आंकड़े दे रही थी, आपका विधायक तब झूठे बसेज के आंकड़े कर रहे थे, यानी स्कूटर का नंबर दे रहा था, कह रहा था कि ये बस है, इससे इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को घर पहुंचाओ, खचाड़ा बस के नंबर दे रहा था। ये जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग यमराज की भूमिका में जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, क्या इनको आप समर्थन करेंगे? क्या यहां की जनता समर्थन करेगी? और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त, सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं पिछले सभा में थोड़े आंकड़े विस्मृत कर दिया था, लगभग 14 लाख लोगों को कुशीनगर जिले में अब तक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, 14 लाख लोगों को, और 14 लाख लोगों को डोज मोदी जी ने फ्री में दी है, निःशुल्क वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और इसलिए हमने कहा कि आभार मोदी जी, आपने हमारी जनता को फ्री में वैक्सीन दिया। लेकिन इस वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग भी थे, कांग्रेस ने विरोध किया था ना, आपने कभी पूछा अपने विधायक से कि वैक्सीन का क्यों विरोध कर रहे हो? भाई ये वैक्सीन तो जनता को सुरक्षा कवच देने वाला है। सपा ने भी विरोध किया था ना, क्या आपने पूछा सपा से कि वैक्सीन का विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मोदी जी पिछले 7.25 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं, बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना हटे और बिना किसी बाधा के उन्होंने देश के बारे में सोचा, देश के विकास के बारे में सोचा, देश को समृद्धि की ओर अग्रसर करने के बारे में सोचा, 135 करोड़ लोगों के भविष्य को सुधारने और संवारने में अपना एक एक पल एक एक क्षण लगाया है। और भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके, हमने भी जनता जनार्दन के लिए 4.5 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया है। मैं आज आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं तमकुई राज की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अगर 4.5 वर्ष के दौरान हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके आपकी सेवा की है, तो क्या अगले 6 महीने आप भारतीय जनता पार्टी के विकास और राष्ट्रवाद के मिशन के लिए अपना समय देंगे? बिना रुके, बिना झुके इस अभियान के साथ जुड़ना है, क्या तैयार है? क्योंकि भाजपा है तो आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना, क्या कांग्रेस रैती बनाती? क्या सपा रैती बनाती? क्या बहन जी रैती बनाती? क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते?